सत्र शुरू हो चुका है लोकसभा का, चलिए रुक करते हैं। कर्तव्य श्रद्धापूर्वक निर्वहिसुत्तेने एंदु बसवण्णन हेसरिनल्लि प्रमाण वचन माडुत्तेने। केरला श्री एमपी अब्दुल समद समदानी। आई एमपी अब्दुल समद समदानी, हैविंग बीन इलेक्टेड ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, डू स्वियर इन द नेम ऑफ गॉड that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. तमिलनाडु श्री विजय कुमार एलियस विजय वसंत। கன்னியாகுமரி தொகுதி மக்கள் சபையின் உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பெற்ற ஹரிகிருஷ்ண பெருமாள் நாடார் வசந்தகுமாரின் மகனாகிய விஜயகுமார் என்கின்ற விஜயவசந்த் என்னும் நான் சட்டப்பூர்வமாக நிறுவப்பட்டுள்ள இந்திய அரசமைப்பில் உண்மையான நம்பிக்கையும் பற்றுதலும் கொண்டிருப்பேன் என்றும், இந்திய நாட்டின் இறையாண்மையும் ஒருமைப்பாட்டையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும், நான் மேற்கொள்ள இருக்கும் கடமையை நேர்மையுடன் நிறைவேற்றுவேன் என்றும் கடவுளறிய உறுதி கூறுகிறேன். பெருந்தலைவர் காமராஜர் புகழ்வாக, ராஜீவ்காந்தி புகழ்வாக, நன்றி. மாண்புமிகு பிரதமர் ஜி, आप वरिष्ठ नेता हैं, सदन की गरिमा और परंपराएं बनाए रखें। माननीय सदस्यगण, इस सदन की परंपराएं उच्च रही है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस परंपराओं को न तोड़े तो उचित रहेगा। आप काफी लंबे समय शासन में रहे, इन परंपराओं को तोड़कर सदन की गरिमा को कम मत कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री, मैं इतना ही अपील करता हूं सर, इट इज अ कस्टमरी एंड ट्रेडिशन, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस द न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आफ्टर दैट दे हैव गॉट ऑल राइट टू रेज द इश्यू, विथ फोल्डेड हैंड आई अपील टू देम, काइंडली अलो द इंट्रोडक्शन बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इस सदन की गरिमा को बनाए रखे मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं।
माननीय प्रधानमंत्री जी सदन के नेता हैं, नए फेरबदल मंत्रिपरिषद का परिचय कराना चाहते हैं। आपकी सदन की गरिमा और गरिमा को मत तोड़े माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सोच रहा था कि आज सदन में एक उत्साह का वातावरण होगा, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिला सांसद मंत्री बनी है। आज मुझे खुशी होती कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे दलित भाई मंत्री बने हैं। खुशी होती आज हमारे आदिवासी शेड्यूल ट्राइब के सारे साथी बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बने हैं। सबको खुशी होती। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्रिपरिषद में मौका मिला, उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बैंक पर से बैंक को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता, लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल में नव नियुक्त सदस्यों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री महोदय का प्रधानमंत्री जी परिचय करना चाहते हैं। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, सदन की गरिमा और परंपराओं को बनाए रखें, ये उचित नहीं है। आप सदन की परंपरा गरिमा को गिरा रहे हैं। माननीय सदस्य अपने अपने आसन पर विराजे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मंत्रियों और राज्य मंत्रियों की सूची सदा पटल पर रख सकते हैं। मैं पटल पर रखता हूं। निधन संबंधी उल्लेख अच्छा हो, आप निधन संबंधी उल्लेख पर भी इसी तरीके से सदन में हल्ला करें, ये अच्छी परंपराएं मत डालिए आप। माननीय सदन के नेता, आप समझाइए इनको, अच्छी परंपरा, निधन संबंधी उल्लेख, आप बैठाइए इनको अपनी अपनी सीटों पर। ओबीसी बिठाइए ना आप। माननीय सदस्य, आप सदन की गरिमा को गिरा रहे हैं, अच्छी परंपराओं को तोड़ रहे हैं। ये देश देख रहा है, विश्व के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, लेकिन आपकी इस तरीके की कार्रवाई कतई उचित नहीं है और न्यायपूर्ण नहीं है, देश के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, निधन संबंधी उल्लेख माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ हमारे 40 पूर्व साथियों के निधन के संबंध में सभा को सूचित करना है। श्री इस्कारिया थॉमस छठी और सातवीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने केरल के कोट्टायम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।
श्री थॉमस का निधन 74 वर्ष की आयु में 18 मार्च 2021 को कोची में हुआ। श्री हरि नारायण प्रभु 10वीं लोकसभा के सदस्य थे जिन्होंने गोवा के पंची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे इससे पहले 2 कार्यकाल के लिए गोवा दमन और दीव विधानसभा के सदस्य और गोवा विधानसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने गोवा दमन और दीव सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री हरीश नारायण प्रभु का निधन 85 वर्ष की आयु में 20 मार्च 2021 को पणजी में हुआ। श्री मुख्तार अनीस जी 11वीं लोकसभा के सदस्य थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के सीतापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री अनीस ने 4 कार्यकाल तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार में उपमंत्री के रूप में भी कार्य किया। मुख्तार अनीस जी का निधन 77 वर्ष की आयु में 30 मार्च 2021 को लखनऊ में हुआ। श्री श्यामाचरण गुप्ता ने 14वीं और 16वीं लोकसभा में उत्तर प्रदेश के बांदा और इलाहाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री गुप्ता वित्त अधीनस्थ विधान और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय समितियों के सदस्य थे। उनका निधन 76 वर्ष की आयु में 9 अप्रैल 2021 को नई दिल्ली में हुआ। श्री दिग्विजय सिंह 7वीं और 8वीं लोकसभा के सदस्य थे जिन्होंने गुजरात के सुरेंद्र नगर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री सिंह ने इकोलॉजी और पर्यावरण विभाग में उपमंत्री के रूप में भी कार्य किया। इससे पहले वे गुजरात विधानसभा में 2 कार्यकाल के लिए सदस्य भी रहे। श्री दिग्विजय सिंह का निधन 88 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 2021 को वांकानेर में हुआ। श्री अजमीरा चंदूलाल 11वीं और 12वीं लोकसभा के सदस्य थे जिन्होंने तेलंगाना के वारंगल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री चंदूलाल मानव संसाधन विकास संबंधी समिति और श्रम कल्याण संबंधी समिति तथा एमपीलेड संबंधी समिति के सदस्य थे। वे इससे पहले 2 कार्यकाल के लिए आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य थे। उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री अजमीरा चंदूलाल का निधन 66 वर्ष की आयु में 15 अप्रैल 2021 को हैदराबाद में हुआ। श्री बची सिंह रावत 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं लोकसभा के सदस्य थे जिन्होंने उत्तराखंड के अल्मोड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री रावत ने रक्षा राज्य मंत्री तथा साइंस और टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया। वे विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। श्री रावत इससे पहले 2 कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री बच्ची सिंह रावत का निधन 71 वर्ष की आयु में 18 अप्रैल 2021 को ऋषिकेश में हुआ। श्री जगदीश सिंह राणा 15वीं लोकसभा के सदस्य थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री राणा प्राकलन समिति तथा वाणिज्य संबंधी समिति के सदस्य रहे। इससे पहले वे 5 कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री जगदीश सिंह राणा का निधन 66 वर्ष की आयु में 19 अप्रैल 2021 को सहारनपुर में हुआ। श्री श्याम बिहारी मिश्र 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं लोकसभा के सदस्य थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बिल्लौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री मिश्र खाद्य नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति तथा आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 1998 संबंधी संयुक्त समिति के सभापति और विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। श्री श्याम बिहारी मिश्र का निधन 82 वर्ष की आयु में 20 अप्रैल 2021 को कानपुर में हुआ। श्री सुरेश पासी 13वीं लोकसभा के सदस्य थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के चेल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री पासी विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। इससे पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। श्री सुरेश पासी का निधन
64 वर्ष की आयु में 20 अप्रैल 2021 को इलाहाबाद में हुआ। प्रोफेसर दुखा भगत 13वीं लोकसभा के सदस्य थे जिन्होंने झारखंड के लोहरदगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री भगत संचार समिति के सदस्य थे। श्री दुखा भगत का निधन 67 वर्ष की आयु में 23 अप्रैल 2021 को रांची में हुआ। श्री सुग्रीव सिंह 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने उड़ीसा के फूलबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। श्री सुग्रीव सिंह का निधन 57 वर्ष की आयु में 26 अप्रैल 2021 को भुवनेश्वर में हुआ। श्री रामेश्वर पाटीदार 6वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं लोकसभा के सदस्य थे जिन्होंने मध्य प्रदेश के खरगोन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री पाटीदार पेट्रोलियम और रसायन, वाणिज्य, अधीनस्थ विधान और प्राकलन समिति के सदस्य रहे। श्री रामेश्वर पाटीदार का निधन 82 वर्ष की आयु में 27 अप्रैल 2021 को मध्य प्रदेश के धार में हुआ। श्री एम सत्यनारायण राव 5वीं, 6वीं और 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने तेलंगाना के करीमनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे आवास समिति के सदस्य रहे। श्री राव का निधन 87 वर्ष की आयु में 27 अप्रैल 2021 को हैदराबाद में हुआ। श्रीमती करुणा शुक्ला 14वीं लोकसभा की सदस्य थी जिन्होंने छत्तीसगढ़ के जांजगीर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्रीमती शुक्ला कोयला और इस्पात समिति तथा महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति की सदस्य रही। श्रीमती करुणा शुक्ला का निधन 70 वर्ष की आयु में 27 अप्रैल 2021 को रायपुर में हुआ। श्री एस बी सिंह सिद्धनाल 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं लोकसभा के सदस्य थे जिन्होंने कर्नाटक के बेलगाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे रेलवे कन्वेंशन कमेटी के सदस्य थे। उनका निधन 85 वर्ष की आयु में 27 अप्रैल 2021 को बेलगावी में हुआ। श्री एकनाथ एम गायकवाड़ 14वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य थे जिन्होंने महाराष्ट्र के मुंबई दक्षिण मध्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री गायकवाड़ विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। इससे पहले 3 कार्यकाल के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री गायकवाड़ का निधन 81 वर्ष की आयु में 28 अप्रैल 2021 को मुंबई में हुआ। श्री कमला प्रसाद रावत 8वीं और 14वीं लोकसभा से सदस्य जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री रावत जल संसाधन और श्रम संबंधी समिति के सदस्य थे। इससे पहले वे उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्य और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे। श्री रावत का निधन 66 वर्ष की आयु में 29 अप्रैल 2021 को बाराबंकी में हुआ। श्री लक्ष्मण गिलवा 13वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य थे जिन्होंने झारखंड के सिंहभूम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री गिलवा विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य, इसके पहले बिहार और झारखंड विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री लक्ष्मण गिलवा का निधन 56 वर्ष की आयु में 29 अप्रैल 2021 को जमशेदपुर में हुआ। डॉक्टर मोहम्मद शाहबुद्दीन 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं लोकसभा के सदस्य थे जिन्होंने बिहार के सिवान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे विभिन्न संसदीय समिति के सदस्य भी रहे। इससे पहले डॉक्टर शाहबुद्दीन बिहार विधानसभा के सदस्य भी रहे। डॉक्टर मोहम्मद शाहबुद्दीन का निधन 53 वर्ष की आयु में 1 मई 2021 को नई दिल्ली में हुआ। श्री रामचरित निषाद 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मछली शहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री निषाद परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति तथा अनुसूचित जातियां और जनजाति समिति कल्याण समिति के सदस्य भी थे। श्री रामचरित निषाद का निधन 57 वर्ष की आयु में 3 मई 2021 को नोएडा में हुआ। श्री जोराव राम 9वीं लोकसभा के सदस्य थे जिन्होंने झारखंड के पलामू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे बिहार विधानसभा के सदस्य होने के साथ बिहार सरकार में राज्य मंत्री भी रहे। श्री जोराव राम का निधन 78 वर्ष की आयु में 3 मई 2021 को पलामू में हुआ। श्री सभाम हरी 15वीं लोकसभा के सदस्य थे जिन्होंने आंध्र प्रदेश के
अनाकपल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्रीहरि उद्योग समिति के सदस्य थे। श्री सब्बाम हरि का निधन 68 वर्ष की आयु में 3 मई 2021 को विशाखापट्टनम में हुआ। श्री जयनारायण रोट सातवीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने राजस्थान के पूर्वती सलुम्बर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे राजस्थान विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री जयनारायण रोड का निधन 82 वर्ष के आयु में 5 मई 2021 को उदयपुर में हुआ। श्री जगमोहन 11वीं 12वीं 13वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने नई दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे वर्ष 1990 से 1996 के दौरान राज्यसभा के सदस्य भी रहे। श्री जगमोहन दिल्ली गोवा दमन और दीव के उपराज्यपाल तथा जम्मू कश्मीर के राज्यपाल भी रहे। श्री जगमोहन संचार शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कार्यान्वयन और सांख्यिकी पर्यटन और संस्कृति मंत्रालयों में कैबिनेट मंत्री रहे तथा ऊर्जा संबंधी समिति के सभापति भी रहे। राष्ट्र के प्रति सेवाओं के लिए श्री जगमोहन को 1971 में पद्मश्री 1970 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। श्री जगमोहन का निधन 93 वर्ष की आयु में 4 मई 2021 को नई दिल्ली में हुआ। श्री अजीत सिंह 9वीं 10वीं 11वीं 13वीं 14वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के बागपत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे उद्योग खाद्य कृषि और नागर विमानन मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री भी रहे। श्री अजीत सिंह वित्त सरकारी आश्वासनों रसायन और उर्वरक तथा एम्पीलेट संबंधी संसदीय समिति के सदस्य भी रहे। श्री अजीत सिंह का निधन गुरुग्राम में 6 मई 2021 को 82 वर्ष की आयु में हुआ। श्री आर एल भाटिया 5वीं 7वीं 8वीं 10वीं 11वीं और 13वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने पंजाब के अमृतसर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री भाटिया वर्ष 1992 से 96 तक विदेश मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे। श्री भाटिया याचिका समिति तथा पूर्वती खाद्य और नागरिक आपूर्ति संबंधी समिति के सभापति थे। श्री आर एल भाटिया का निधन अमृतसर में 6/5/2021 को 99 वर्ष की आयु में हुआ। प्रोफेसर रासा सिंह रावत 9वीं 10वीं 12वीं 13वीं 14वीं 14वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने राजस्थान के अजमेर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। प्रोफेसर रावत विभिन्न संसदीय समिति के सदस्य थे। प्रोफेसर रावत का निधन अजमेर में 10 मई 2021 को 79 वर्ष की आयु में हुआ। श्री संभाजी राव काकड़े 6ठी और 8वीं लोकसभा सदस्य थे, जिन्होंने महाराष्ट्र के बारामती संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य थे। श्री संभाजी राव काकड़े का निधन पुणे में 10 मई 2021 को 85 वर्ष की आयु में हुआ। श्री रामेंद्र कुमार यादव 9वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने बिहार के मध्यपुरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे बिहार विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री रामेंद्र कुमार यादव का निधन पटना में 14 मई 2021 को 78 वर्ष की आयु में हुआ। श्री राजीव शंकर राव सातव महाराष्ट्र के हिंगोली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे राज्यसभा के वर्तमान सदस्य थे। श्री सातव रक्षा समिति अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति और रेल समिति के सदस्य रहे तथा महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री राजीव शंकर राव